पितृच मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मा पितृच मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारक वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः क्षणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। हाँ बढ़िया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा जय जय गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो माधविया शंभो शिव 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 शिव
नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 14 श्लोक 7, 8, 9, 10। दिव्यं भौमं चांतरिक्षं वित्तमच्युत निर्मितं तत्सर्वमुपभुञ्जान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः यावत् व्रियेतजठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं यो विमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। नारायण। अच्युत निर्मितं लक्ष्मीपति श्रीपति श्रीमन्नारायण अच्युत हैं, उन्हीं के द्वारा त्रिभुवन में सकल वैभव सुलभ, सबके सष्टा वे ही सिद्ध होते हैं। अच्युत निर्मितं भौमं भूलोक में, भूलोक में जो कुछ वैभव है भगवान की कृपा से सुलभ है, भगवत विरचित पृथ्वी है और पार्थिव जो कुछ प्रपंच है, वैभव है, विभूतियाँ हैं, सब भगवान की ही देन। अंतरिक्ष भू और स्व के मध्य भाग का नाम अंतरिक्ष है, जिसको भूभाग कहते हैं, उसमें भी जो कुछ वैभव है अस्वयं भूवा लोक है, अभी अच्युत निर्मित ही है। स्व जिसको स्वर्ग कहते हैं, दिव्य धाम कहते हैं, उसमें भी जो कुछ वैभव है, देवताओं के लिए उपभोग्य सामग्री है, सब भगवान के द्वारा विरचित। और भूवस्व भूलोक में नीचे के लोकों का अंतर्भाव कर दिया गया, स्व में ऊपर के ऊर्ध्वलोकों का अंतर्भाव कर दिया गया। चतुर्दश भुवन को त्रिभुवन भी विवक्षावसात कहते हैं। तत्सर्वं भुञ्जाना एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः, यह हुआ पार्थिव वारुण तेजस वायव्य नाभिक, जो कुछ वैभव है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में जो कुछ वैभव है, सब जीवों का उपभोग्य है, लेकिन सृष्टा तो भगवान ही है। इस शिष्ट जीव भोग्य पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने यह भाव व्यक्त किया। जीवार्था सृष्टि इसका नाम है। भगवान जगत की रचना करते हैं, कर्ता भगवान सिद्ध होते हैं, लीला पूर्वक भगवान ही सृष्टि की रचना करते हैं, भोक्ता जीव होते हैं, इसी का नाम है जीवार्था सृष्टि। जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासर के प्रारंभ में लीला पूर्वक स्वयं को ही माया के योग से पृथ्वी आदि लोकों के रूप में और सकल वैभव विभूतियों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। जो कुछ सामग्री है सब भगवत रूप है, भगवत प्रदत्त है, ऐसा समझना चाहिए। वेदांत प्रस्थान के अनुसार भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, जगत के अभिन्न उपादान कारण सिद्ध होते हैं। एकांत में बैठकर विचार करें, कोई कुलाल कुंभकार स्वयं को ही घट का रूप प्रदान कर दे तो घट कितना दिव्य होगा। तो यहाँ तो भगवान ही स्वयं को जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के रूप में
स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में, सकल विभूतियों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। जो कुछ प्रगत सामग्री है जीवन यापन के लिए अनाशक्ति पूर्वक उनका सेवन करते रहना चाहिए, लेकिन भगवान का अनुग्रह समझकर जीविका जीवन के लिए है, कहीं जीवन ही जीविका के लिए हो जाए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। भौतिकवादियों के यहाँ जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीविका के लिए। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं कमाने के लिए। कर्म का पर्यवसान भोग में, भोग का पर्यवसान कर्म में, जीविका का पर्यवसान जीवन में, जीवन का पर्यवसान जीविका में। यही है गोरख धंधा। कर्म से भोग, भोग से कर्म की निष्पत्ति होती जाती है। जन्म का पर्यवसान मृत्यु और मृत्यु का पर्यवसान जन्म होता है। जन्म मृत्यु के अनाज अजस्र परंपरा का अतिक्रमण कठिन है, इसीलिए यही वितर्जित सर्गो ये साम साम्य स्थित मन निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। भगवद गीता के पांचवें अध्याय का वचन है यही वितर्जित सर्ग, उनके द्वारा जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजय श्री प्राप्त कर ली गई। ये साम साम्य स्थित मन, जिनका मन सम परमात्म तत्व में स्थित हो गया। निर्दोषम समम ब्रह्म, ब्रह्म तत्व भगवत तत्व या परमात्म तत्व निर्दोष है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, जिनका मन उस निर्दोष परमात्म तत्व में सन्निहित हो गया, तदाकार हो गया, वे परमात्म तत्व में सन्निहित हो गए। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता यही वितर्जित सर्ग। अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान ने इस तथ्य को सिद्ध किया कि जो कुछ अनात्मक प्रपंच है, कार्य कारणात्मक प्रपंच है, क्या है, सदोष विषम निर्दोष असम, तो केवल परमात्मा ही है। निर्दोषम समम ब्रह्मम, जगत का परिचय क्या है, सदोष विषम। जो कुछ सदोष और विषम है वर्णीय कमनीय नहीं है। भौतिकवादी भी जो विज्ञान के पक्षधर हैं, आखिर निरीक्षण परीक्षण करने पर अनात्मक प्रपंच को, कार्य प्रपंच को सदोष और विषम मानेंगे ही। सदोष है विषम है, जो कुछ सदोष और विषम है वर्णीय नहीं है, कमनीय नहीं है, भजनीय नहीं है। निर्दोष असम परमात्म तत्व ही कमनीय वर्णीय भजनीय है, यह अभिप्राय। जगत सदोष अविषम है, अब परमात्मा विचित्र बात, परमात्मा निर्दोष असम है। निर्दोषम समम ब्रह्म, भगवत तत्व निर्दोष असम और जगत ठीक उसके विपरीत सदोष अविषम। सदोष अविषम जगत से भी जब वैराग नहीं होता तो फिर क्या होगा। बहुत बढ़िया, अपने शरीर का निरीक्षण परीक्षण करने पर भी जिसको वैराग नहीं होता उसको वैराग के लिए कौन सा उपदेश दिया जाए। उपनिषदों में लिखा गया सद्भाव विकारों से युक्त जो हमारा आपका जीवन है, अपने जीवन का अनुशीलन करने पर, अनुदर्शन करने पर भी जब वैराग सुलभ नहीं होता तो फिर वैराग के लिए उसे कौन सा उपदेश दिया जाए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, पिछले दिनों हमने कहा भागवत का उपदेश है वैराग्य राग रसिक होना चाहिए। वैराग्य राग रसिक होना चाहिए, वैराग्य रस, वैराग्य रूप रस का रसिक होना चाहिए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। दो तीन दिनों से मैं एक बात को बार बार कह रहा हूँ ताकि हृदयंगम हो जाए।
इस भ्रम को त्याग देना चाहिए कि अनाशक्ति या विरक्ति घाटे की वस्तु है। जो जिससे अनाशक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है। अनाशक्ति का विषय अनात्मा ही तो है। आत्मा तो पर प्रेमास्पद है, परमात्मा तो पर प्रेमास्पद है। वैराग्य के विषय हम किसको कहेंगे, जो अनात्मा है उसी को वैराग्य का विषय कहेंगे। इसलिए बहुत विचित्र बात, दुख दोषानुदर्शनम, दुख और दोष का द्वेष में पर्यवसान न हो। इस ढंग से जगत का निरीक्षण करें, दुख का दोष का दर्शन हो लेकिन द्वेष में नहीं। सामान्य नियम यह है कि जिसमें दुख का दोष का दर्शन होता है उससे व्यक्ति द्वेष कर बैठता है। रागास्पद भी जगत नहीं है, द्वेषास्पद भी जगत नहीं है। दुख और दोष का अनदर्शन करके सकल अनात्मक प्रपंच से उपरत होने के लिए अनात्मक प्रपंच का ही आलंबन लेना पड़ेगा। ये भी विचित्र बात, सृष्टा तक पहुँचने के लिए सृष्टि का आलंबन लेना आवश्यक है। सृष्टि का आलंबन लेकर ही सृष्टा तक पहुँच सकते हैं। पार्थिव प्रपंच का आलंबन लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी का आलंबन लेकर जल तक, जल का आलंबन लेकर सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अग्नि या तेज तक, तेज या अग्नि का आलंबन लेकर वायु तक, और वायु का आलंबन लेकर आकाश तक पहुंच सकते हैं। आकाश का आलंबन लेकर अव्यक्त तक पहुंच सकते हैं। अव्यक्त प्रकृति या प्रधान जिसकी शक्ति है उसी का नाम परमात्मा तत्व है। अंत में माया शक्ति अव्यक्त प्रकृति या प्रधान का आलंबन लेकर मायापति भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब कि आरोहक क्रम से जगत भगवत प्राप्ति में हेतु है, बानक है। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, आरोहक क्रम यह है। सृष्टि की संरचना अवरोहक क्रम से होती है। सृष्टि का जो प्रलय है आरोहक क्रम से होता है। कारण से सन्निकट कार्य की अभिव्यक्ति का नाम सृष्टि है, और कारण भावापत्ति का नाम प्रलय है। सृष्टि की प्रक्रिया कल भी कही गई, कारण अपने स्वरूप को बनाए रखकर ही कार्य के रूप में अभिव्यक्त हो जाए। सन्निकट सविशेष को अभिव्यक्त करके स्वयं भी बना रहे, यह सृष्टि की प्रक्रिया। प्रलय की प्रक्रिया में कार्य सर्वतोभावेन कार्यापन्न होकर, कार्य कारण भावापन्न होकर ही शेष रहे। अगर कार्य भी शेष रहा, कारण भी शेष रहा, तो प्रलय की व्यवस्था ही चरितार्थ नहीं होगी। पार्थिव प्रपंच जल होकर शेष रहे, जल अग्नि होकर शेष रहे, जल अग्नि वायु होकर शेष रहे, वायु आकाश होकर शेष रहे, आकाश अव्यक्त होकर शेष रहे, अव्यक्त आत्मा होकर शेष रहे। गणित की प्रक्रिया कल हमने कही, और एक है कृषि विज्ञान की प्रक्रिया, दोनों में अंतर है। गणित की प्रक्रिया में आरोहक क्रम से विचार करें तो 5 4 3 2 1 0 पृथ्वी में 5 गुण, जल में 4 गुण, अग्नि में 3 गुण, वायु में 2 गुण, आकाश में 1 गुण। पृथ्वी जल तेज वायु में भी जो गंध का संचार होता है, वो ऊर्ध्व जो तत्व है उनमें आधा तत्व के गुण का संचार होता है, अनुगति नहीं होती। लेकिन कारण और कारण के गुण की कार्य में अनुगति होती। संचार अलग चीज़ है, अनुगति अलग चीज़ है। क्या जैसे गंध, जल तो निर्गंध है लेकिन पुण्यो गंध पृथिव्यांच, भगवद गीता 7वां अध्याय का अनुशीलन करें, पृथ्वी में पुण्य गंध हूँ। पुण्य शब्द का प्रयोग ऊपर भी करना चाहिए, जल में पुण्य रस हूँ, पुण्य शब्द का उपयोग अन्यत्र भी करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य में लिखा कि पृथ्वी में दुर्गंध हम प्राणियों की के प्रमाद के कारण, पृथ्वी में जो दुर्गंध है हम प्राणियों के प्रमाद के कारण है।
अब महायज्ञ इत्यादि की महिमा क्या है? हम आप मनुष्य हैं, हमारे शरीर से दुर्गंध का निकलना स्वाभाविक है, मलमूत्र तब कहीं ना कहीं व्यवस्थित ढंग से तो त्याग करेंगे ही। अगर बीमार नहीं है और शिष्ट हैं तो उचित स्थान पर सही मलमूत्र का तो त्याग करना ही पड़ेगा, विसर्जन। एक व्यक्ति शरीर को लेकर व्यवस्था के कारण जितना दूषण प्रपंच में क्या करता है, दूषण का आधान कर देता है, उससे कम से कम 10 गुना अधिक दिव्यता का आधान करना चाहिए। आजकल है नहीं, अग्निहोत्रादि जो कार्य होते थे, भगवान नाम का संकीर्तन होता था, उसका प्रभाव क्या पड़ता था। एक व्यक्ति मनुष्य होने के कारण जितने दुर्गंधी का मलिन जितने मालिन्य का आधान प्रपंच में कर देता है, उसका दायित्व है कि कम से कम अग्निहोत्रादि के द्वारा अपने अधिकार की सीमा में और वृक्षादिरोपण के द्वारा अपने अधिकार की सीमा में 10 गुना अधिक दिव्यता का, शुद्धता का, पवित्रता का, भव्यता का आधान करे। यह है तो यहाँ कहा गया भौम संपदा पार्थिव प्रपंच, पृथ्वी अपने आप में संपदा है और पृथ्वी और वृक्षादि हैं, ये भी धन ही हैं। कल हमने कहा कि हीरा भी पार्थिव ही सिद्ध है, खंडन खंड खाद्य के अनुसार। सुवर्ण जो है तेजस सिद्ध है, इसी प्रकार नीलमणि इत्यादि ये वारुण हैं। हिम ऐसे हिम या बर्फ, जल का घनीभूत जिसको हिम या बर्फ कहते हैं, उसकी कल्पना कीजिए कि 100 वर्षों तक वह पिघले नहीं, तो वही फिर नीलमणि का रूप धारण कर ले। जल का ही परिष्कृत रूप है नीलमणि। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को, चार पीठ के आचार्यों को एक एक नीलमणि के शिवलिंग प्रकट किया, दिया, प्रदान किया। भगवान शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने नीलमणि, भगवान को उपमित किया गया है नील से, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम राजत सत ये शोभा निरख सो कोटि कोटि सत्काम। नील एक दिन हमने बताया श्यामाच्छवलम प्रपद्ये, छांदोग्य सत उपनिषद का वचन है श्यामाच्छवलम प्रपद्ये। अवरोह क्रम है, भगवत तत्व का नाम उपनिषद में श्याम है, यहाँ भी श्याम है ये। श्यामाच्छवलम प्रपद्ये, श्याम और शबल, शबल ब्रह्म और श्याम जो है उससे शबल ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। श्यामाच्छवलम प्रपद्ये, परमात्मा का नाम श्याम क्यों है? भगवान शंकराचार्य महाराज ने भाष्य में लिखा श्याम रंग जो है अनंतता का द्योतक है, इसलिए भगवान का नाम है श्याम। श्याम सुंदर कहते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है, नभ निरूप है, आकाश निरूप है, नेत्र का स्वभाव है निहारना, आकाश निरूप है वह नेत्र का विषय नहीं हो सकता और नेत्र निहारे बिना रह नहीं सकते, दोनों में समझौता हो जाता है। नेत्र को तो रूप चाहिए और आकाश है निरूप, तो श्याम रंग के रूप में उल्लसित होकर नील गगन का दर्शन होता है। नील गगन, ये नील गगन के तारे, बचपन हम लोग आते थे नील गगन, अब गगन कहाँ से नीला है, तो फिर आकाश जो है नीला क्यों परिलक्षित होता है? क्योंकि श्याम वर्ण जो है अगाधता का, अनंतता का द्योतक है, इसलिए भगवान को हम श्याम सुंदर कहते हैं। वहाँ भी श्याम शब्द अनंतता का, अगाधता का द्योतक है। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्नादि
भौम द्रव्य भौम विभूति पृथ्वी पर प्राप्त जो विभूति है उसमें भी विचित्र बात है। एक दिन हमने कहा था यहाँ विज्ञान है, भोजन का विज्ञान और वर्षा का विज्ञान दोनों में आरोह अवरोह क्रम है। जब हम भोजन बनाते हैं तो आधुनिक भाषा में सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे, घन को द्रव और द्रव को अनिल चुल्ली, गैस मन अनिल चुल्ली, अनिल चुल्ली संस्कृत में हिंदी में कहेंगे। वायु और अग्नि का नाम ही गैस हो जाता, अनिल चुल्ली भी कह सकते हैं, गैस को अनिल चुल्ली भी कह सकते हैं। अब विचित्र है, भोजन विज्ञान में क्या होता, ऊर्ध्व दाल चावल ये सब है ना, ये ऊर्ध्व ये क्या हो जाते हैं, भोजन बनाते समय ठोस पदार्थ द्रवता का रूप धारण करता है, कुछ अंश गैस या अनिल चुल्ली के रूप में परिणत हो जाता है। और वर्षा के समय ठीक विपरीत अवरोह क्रम होता है, गैस जो है वो जल और जल जो है अन्न का रूप धारण कर लेता है। आरोह क्रम से क्या हो गया, घन तरल और अनिल चुल्ली, गैस ठोस से द्रव और द्रव से गैस। और वर्षा का विज्ञान विपरीत है, गैस से क्या हो गया जल और जल से क्या हो गया अन्न। इस प्रकार से आरोह क्रम से अवरोह क्रम से हमको सृष्टि का विज्ञान प्राप्त होता है। ठोस का पर्यवसान द्रव में, द्रव का पर्यवसान गैस में, फिर गैस का पर्यवसान द्रव में और द्रव का पर्यवसान जो होता है वो ठोस में हो जाता है। इस प्रकार वर्षा का विज्ञान अवरोह क्रम है, भोजन विज्ञान आरोह क्रम है। इस दृष्टि से जलवायु जब कहते हैं, जलवायु जल में वायु का सन्निवेश हो जाता है, पृथ्वी में आकाश का तादात्म्य हो जाता है, तीन तत्व ही पंच तत्व हो जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में पृथ्वी जल तेज तीन का वर्णन है, तैतरीय में पंचभूतों का वर्णन उपलक्षण है, लेकिन तीन तत्व का ही वर्णन किया है। जलवायु पूछते यानी जल के साथ वायु की तादात्म्य पत्ति हो जाती है, पृथ्वी के साथ आकाश की तादात्म्य पत्ति हो जाती। एक विचित्र तथ्य है, कुछ लोग आपत्ति करते हैं बिना समझे, हमारे शास्त्रों में पृथ्वी को अचला कहा गया। लोग कहते हैं कि पृथ्वी तो अचला नहीं है, बहुत शास्त्रार्थ इस पर होता है, लेकिन प्राचीन आचार्य कोई बुद्धिहीन थोड़े थे। प्राचीन आचार्यों ने जब पृथ्वी को कारी माना या नहीं, फिर जल का कारी माना ना, तो कारी जो होगा वो सर्वथा निरवयव और अचल कैसे होगा, पृथ्वी कार्य होती हुई अचला है तो उसका अभिप्राय जानना चाहिए ना, या सीधे खंडन कर देंगे, खंडन कर पाएंगे क्या। आधुनिक व्यक्ति कहते हैं पुराने व्यक्तियों को पृथ्वी का ठीक से ज्ञान नहीं था, वो पृथ्वी को अचला कहते थे, जबकि पृथ्वी चला है, चलनशील है, तो फिर अर्थ क्या हुआ। जब प्राचीन ऋषियों ने तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संभूतः इस प्रकार से पृथ्वी को कार्य माना, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कार्य होती हुई पृथ्वी फिर अचल है, तो दृष्ट देखिए नीचे पृथ्वी स्थिर ना हो अपेक्षाकृत, ऊपर आकाश स्थिर ना हो, बीच में चंचल जल तेज वायु को क्या गति प्राप्त। नीचे पृथ्वी स्थिर है, ऊपर आकाश स्थिर है, तब जो चलनशील तीन तत्व हैं ऊपर से लें तो वायु तेज और जल, नीचे से लें जेल ते जल तेज और वायु, तीनों जो गतिशील हैं उनको थामने के लिए स्थिर तत्व चाहिए या नहीं। पटरी है तो रेल चलती है, है ना, इसी प्रकार से पृथ्वी अचल है, अचला है माने आपेक्षिक स्थिरता पृथ्वी में है, नीचे पृथ्वी साधे हुए है, ऊपर आकाश साधे हुए है। अब प्रश्न उठता है कि वेदांतियों के आकाश सर्वथा अचल है क्या, तो सर्वथा अचल हो उसकी उत्पत्ति ही न हो, कार्य कोटि प्रविष्ट पदार्थ ही न हो,
जब आकाश का भी उदय होता है महाप्रलय में विलय होता है, आकाश को परम स्थिर कैसे मानेंगे, सर्वथा परिच्छिन्न कैसे मानेंगे। आकाश से बलाका, आकाश में बगुलों की पंक्ति वेदांत परिभाषा के अनुसार हमने कहा, आकाश से बलाका आकाश में बगुलों की पंक्ति, इससे सिद्ध होता है कि आकाश भी सर्वथा अपरिच्छिन्न नहीं है, क्योंकि जो कार्य होता है उसकी विशेषता यह है परिच्छिन्न, और कार्य जो होगा परिच्छिन्न होगा सविशेष ही होगा, सन्निकट सविशेषक क्रम से उत्पत्ति होती है, सन्निकट निर्विशेषक क्रम से प्रलय का क्रम चलता है, इसलिए सन्निकट निर्विशेष होता जाए तो प्रलय और सन्निकट सविशेष होता जाए तो सर्ग, ये सर्ग और प्रलय की प्रक्रिया है। तो हमने संकेत किया जब हमारे यहाँ आकाश भी उत्पन्न होता है स्थित होता है महाप्रलय में, आकाश का भी क्या हो जाता है प्रलय, आकाश का भी लय स्थान है कोई ना कोई आत्म तत्व परमात्म तत्व। यहाँ हमने दो विषय रखा, दोनों को छोड़ दिया, व्याख्या पहले बहुत कर चुके फिर भी करें। अभी हमने कहा गणित विज्ञान और कृषि विज्ञान, नीचे से चले हैं, पांच गुणों से युक्त है आकाश पृथ्वी, क्योंकि कारण और कारण का जो गुण होता है वो कार्य में अनुगत होता है पृथ्वी में, इस दृष्टि से पांच गुणों की प्रतिष्ठा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच के बाद आरोह क्रम में क्या होगा चार, चार गुणों से युक्त जल, फिर तीन गुणों से युक्त अग्नि, दो गुणों से युक्त वायु या पवन, और एक गुण से युक्त आकाश, और निर्गुण निर्विशेष आत्म तत्व परमात्म तत्व हो गया। यह क्या गणित का विज्ञान, यह क्या कृषि का विज्ञान। कृषि विज्ञान में बीच में बीजावस्था का उल्लेख होता है, इसलिए अब कृषि विज्ञान की दृष्टि से तस्माद वाय तस्माद आत्मन आकाशा संभूता, ये गणित विज्ञान की दृष्टि से सृष्टि रचना की प्रक्रिया है। अब कृषि विज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो कृषि दर्शन भी एक ग्रंथ लिखने का विचार था, कई प्रश्न अभी छपी नहीं, छपा नहीं अभी, कितने पेज लिख के छोड़ दिए होंगे, साढ़े चार सौ पे लिखा, 2000 पृष्ठों में कृषि विज्ञान लिखने का विचार था, क्या क्या करें, शरीर तो ये कहिया 24 घंटे होते। हमने कहा क्या कहा, कृषि विज्ञान में बीच में बीजावस्था की प्राप्ति होती है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में लिखा, बीज में संस्कार विहीन जो बीज मटर जौ गेहूँ आदि के वो पृथ्वी हैं, यानी बीज से संस्कार को च्युत कर दें, संस्कार विहीन कर दें तो क्या हो जाए, चना इत्यादि को गर्म तवे पे रख के भून दें, सौंधापन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी स्वादिष्ट भी होगा, भूख की निवृत्ति भी होगी, लेकिन अंकुरोत्पादनी शक्ति समाप्त हो जाएगी। वर्जित बीजवत, वर्जित बीजवत अपवाद स्थल अलग है, बेंत बेंत और कौन है, जलने से क्या हो जाते, कदली, कदली और बेंत का उदाहरण है, कहीं कहीं जले हुई वस्तु से भी वस्तुअंतर की उत्पत्ति हो जाती है, अपवाद स्थल है वर्जित बीजवत हमने कहा। इसलिए जो व्यक्ति परमात्म तत्व का अनुशीलन करता है, परमात्म तत्व का अनुशीलन आरोह क्रम से, इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ने बहुत बढ़िया लिखा, उपाय स्वतराय, सृष्टि की संरचना का प्रयोजन बताया गौड़पादाचार्य महाभाग ने मांडूक कारिका में, उपाय स्वतराय, भगवत तत्व में मन अवतीर्ण हो सके सन्निहित हो सके, इसलिए भगवान करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर के प्रारंभ में सृष्टि की संरचना की, उपाय स्वतराय, सृष्टा के स्वरूप में मनोनिवेश का बल और वेग हमको आपको प्राप्त हो सके, इस भावना से भावित होकर करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर के प्रारंभ में
आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से मंडित सृष्टि की रचना की लंबा वाक्य हुआ। उपाया स्वत आराया खाओ पियो मौज करो के लिए नहीं, असतो माँ सदगमय आरोह क्रम से पार्थिव प्रपंच का लंबन लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी का लंबन लेकर जल तक, जल का लंबन लेकर अग्नि तक, अग्नि का लंबन लेकर वायु तक, वायु का लंबन लेकर आकाश तक, आकाश का लंबन लेकर आत्मा तक, ये गणित विज्ञान, और आकाश का लंबन लेकर अव्यक्त तक, अव्यक्त का लंबन लेकर आत्मा तक, ये कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान में बीच में बीजावस्था आती है। अब एक स्वाभाविक प्रश्न है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव चाष्टदा प्रकृति का वर्णन हुआ या नहीं गीता के 13वें अध्याय 7वें अध्याय में तो लक्षणा करनी पड़ती, लेकिन 13वें अध्याय में स्पष्ट है। 16 विकृति का उल्लेख भी है, अष्ट प्रकृति का भी उल्लेख है, महाभूता गीता 13वां अध्याय 7वें अध्याय में लक्षणा करके अर्थ करना पड़ता है, वो मेरा पो नलो वायु खम मनो ये सब वहाँ मन आदि में लक्षणा करने पड़ते। यहाँ सीधा अर्थ है महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया भगवान ने। तो बीच में अष्टधा प्रकृति अब प्रश्न उठता है, गणित विज्ञान की दृष्टि और कृषि विज्ञान की दृष्टि से भी विलक्षण यह प्रक्रिया। गणित विज्ञान में क्या होगा, 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी के मूल में, 4 गुणों से संपन्न जल की सिद्धि होगी, 4 गुणों से संपन्न जल के मूल में, 3 गुणों से संपन्न अग्नि की सिद्धि होगी, 3 गुणों से संपन्न अग्नि के मूल में, 2 गुणों से संपन्न वायु की सिद्धि होगी, 2 गुणों से संपन्न वायु के मूल में, 1 गुण से संपन्न आकाश की सिद्धि होगी, और निर्गुण फिर आकाश के मूल में आत्म तत्व परमात्म तत्व की सिद्धि होगी। कृषि विज्ञान का आलंबन लेंगे तो बीच में अव्यक्त की सिद्धि होगी, फिर भी 2 तत्व रह गए, हम तत्व महत्त्व, इनको कहाँ बैठा हुए, न ये कृषि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, न गणित विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, फालतू तत्व हैं या पालतू तत्व। जब ग्रंथों में 2 तत्व अतिरिक्त निरूपित हैं तो संगत लगाना पड़ेगा, लगानी पड़ेगी, इसलिए अनुगत्य शास्त्र के अनुगत होकर हमको विचार करना पड़ेगा, हमारे अनुगत शास्त्र नहीं हो सकते क्या। अनुगत्य शास्त्र के अनुगत होकर हमको विचारना पड़े करना पड़ेगा, ऐसा कहा गया तो आखिर क्यों, इसके पीछे मूल क्या है। अब ध्यान पूर्वक सुने, आकाश के ऊपर हम तत्व, फिर महत्त्व, फिर अव्यक्त, गणित की दृष्टि से आकाश में 1 गुण है तो निर्गुण निर्विशेष आत्म तत्व की ही सिद्धि होनी चाहिए उसके ऊपर। तस्माद वाय तस्माद आत्मन आकाश असम्भूता तैतृय उपनिषद, बीच में ये 3 कहाँ से टपक पड़े, टपका दिए गए, कौन कौन, आकाश के बाद हम तत्व, हम तत्व के बाद महत्त्व, महत्त्व के बाद अव्यक्त। ये जो हैं, आकाश का गुण क्या है, शब्द आकाश के ही प्रभेद हैं, अहम तत्व महत्त्व और अव्यक्त आकाश के ही प्रभेद हैं। अब मैं संकेत करता हूँ, मेरी विशेषता न मानिए, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से मनन की विशेषता मानिए, आकाश के ही स्वरूप हैं अहम महत्त्व और अव्यक्त। आकाश का गुण क्या है, शब्द, वैखरी वाक्य की निष्पत्ति होती है आकाश से, मध्यमा वाक्य निष्पत्ति होती है हम तत्व से, पश्चंती वाक्य निष्पत्ति होती है महत्त्व से, परा वाक्य निष्पत्ति होती है आत्मा से, अधिष्ठित अव्यक्त से। इस प्रकार आकाश के ही प्रभेद कौन कौन हो गए, हम तत्व महत्त्व और अव्यक्त। तो गणित विज्ञान की सार्थकता हो गई, आकाश में 1 गुण है लेकिन आकाश का ही सूक्ष्म रूप वह कौन है, अहम तत्व है, फिर महत्त्व है, फिर अव्यक्त है, ये सब आकाश के ही प्रभेद हैं। वैखरी वाक्य सिद्धि किससे होगी, आकाश से, मध्यमा वाक्य सिद्धि अहम तत्व से,
और पश्यंती वाक्य सिद्धि किससे होगी, महत्तत्व से परावाक्य सिद्धि किससे होगी, आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अव्यक्त से। अब वैखरी वाक को मध्यमा, मध्यमा को पश्यंती, पश्यंती को परा करने की क्षमता है, तो सिद्धि जीवन में आएगी ही, दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी ही। अभी मैं बोल रहा हूँ ये कौन सी वाक है, वाणी है वैखरी। कल भी बताया 10 संस्थानों के योग से वैखरी वाक की निष्पत्ति होती है। व्याकरण के अनुसार आपको विसर्जनिया नाम कंठा इतिषा नाम ताल विषा नाम मूर्धा, इसमें हृदय और नाभि को दो अपनी ओर से जोड़ने, तंत्र शास्त्र के अनुसार तो वैखरी वाक की निष्पत्ति में 10 संस्थान हेतु हो जाएंगे। अब जो वैखरी वाक है वह मनोगत हो जाए तो उसका नाम क्या होगा, मध्यमा वाक, ख्यालिया पोलाव उर्दू वाले कहेंगे मनोराज्य। वो क्या है, मनोगत वाक के द्वारा चिंतन करते हैं। शेख चिल्ली की कथा शेख चिल्ली की कथा, हाँ तुम्हारे तो घी लुढ़क गए, हमारा तो सब कुछ चौपट हो गया। नहीं मालूम है, एक व्यक्ति ने घी खरीदा, मटके एक मजदूर को दे दिए, 3 किलोमीटर तक पैदल चलना, 5 किलोमीटर तक इसमें घी संभाल के ले चलना। वो सोचने लगा कि इतनी मजदूरी बने मिलेगी, उसको ये ढंग से बढ़ाते 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 फिर इतना धन कमाऊँगा कि पत्नी भी मिल जाएगी, फिर एक बार घर भी बन जाएगा, पत्नी रहेगी, पत्नी रूठ जाएगी, मैं मनाऊँगा। वो कहे कि नहीं नहीं मानेगी। वो जो घी से भरा हुआ पात्र गिर पड़ा, उसने कहा ये क्या क्या चौपट कर दिया, अरे आपके तो घी है, हमारा तो सब कुछ चौपट हो गया। पत्नी रूठ गई, पत्नी को मनाऊँगा। वो कहे कि नहीं। सुमिरन ऐसा चाहिए जिम। अच्छा ठीक है, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। व्यक्ति माताएं पहले होती थी राजस्थान इत्यादि में, गोद में बच्चा भी है, सर पर भी है, क्या सहेली से बात भी कर रही, उछला भी रही है, लेकिन इतना नहीं उछलाती कि ऊपर जो क्या है जल भरा हुआ पात्र कहीं लुढ़क जाए। बच्चे को गोद में लिए हुए है और गाती भी है, सहेली से बात भी करती है, यात्रा भी करती है, लेकिन उसको साधे हुए है। इसी प्रकार से संकेत किया गया, आकाश के ही प्रभेद हैं कौन, अहम तत्व महत्तत्व। वैखरी वाक की सिद्धि आकाश से होती है। मनोगत वाक को कर रहे हैं तो कौन से वाक होगी, मध्यमा। मनोनिष्ठ वाक है तो वाक गर्भित मन को बुद्धिनिष्ठ कर देंगे। अब तंत्र साथ पढ़ के अपनी ओर से सारांश निकालने में 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष लग सकता है, इसलिए सुनने से क्या लाभ होता है, वो भी कुछ दिशाहीनता भी आ सकती है आजकल अपने आप पढ़ने से। 10 वर्ष में जो ज्ञान प्राप्त कर सकते घंटों परिश्रम करके वो 10 मिनट में मिल जाता, लाभ है या नहीं। इसलिए हमने संकेत किया वैखरी वाक को मनोनिष्ठ कर दें तो मध्यमा वाक, मनो अच्छा वाक गर्भित मन को बुद्धिनिष्ठ कर दें तो पश्यंती वाक। कुछ समय यहाँ रुकना चाहिए पश्यंती वाक करके। देखिए उपनिषदों का साराम से सुनिए, योगी जिस वाक से दर्शन करते हैं उसका नाम है पश्यंती, अनवर्थ है। भोगी आँखों से देखते हैं, योगी किससे देखते हैं, योगी आँखों से देखते हैं, सामान्य रीति से तो योगी भी आँखों से देखते हैं, भोगी आँखों से देखता, योगी वाणी से देखते हैं, वाणी चक्षु कौन सा है, पश्यंती वाक माने देखें। 3 काल निज ज्ञाना करतल गत आमलक समाना, पश्यंती वाक में निष्ठा हो जाए है तो सबके जीवन। वैखरी वाक की निष्पत्ति बिना पश्यंती वाक के मध्यमा वाक के संभव नहीं, लेकिन उस पर ध्यान केंद्रित न करने के कारण
सबके जीवन में सिद्धि नहीं आती। इसलिए क्या कहा, वैखरी वाक जिसकी निष्पत्ति 10 संस्थानों के द्वारा होती है उस वैखरी वाक को मनोनिष्ठ कर दें। मनोगत जो वाक है मध्यमा वाक, मनोगत वाक को अर्थात मन गर्भित मनोगर्भित जो वाक है उसको बुद्धि निष्ठ कर दें। तब कौन से पश्यंती वाक, वहाँ स्थिरता हो जाए तो त्रिकालज्ञ व्यक्ति हो जाता है। जैसे कि भृगु जी भृगु ऋषि, तो आपको लगे कि आप नहीं है तो भृगु ऋषि। अब बुद्धिनिष्ठ जो वाक है, मनोगर्भित बुद्धिनिष्ठ जो वाक है, यूँ मनोगर्भित बुद्धिनिष्ठ जो वाक है उसको आत्म तत्व से अधिष्ठित अव्यक्त निष्ठ कर देंगे तो परावाक, परावाक में जिसका प्रवेश हो जाता है वो सिद्ध हो जाता है, सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। यह देखें तीन काल निज ज्ञाना कर्तलगत आमलक समाना, यह ये सब हरि अनंत हरि कथा अनंत चल रहा था तो लंबा प्रकरण हो गया। यावत ब्रियत है ना, दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तत्सर्वम उपभुंजाना ये तत् कुरिया स्वतो बुध। जो कुछ है भौम, भौम ब्रह्म किसको कहा भगवान शंकराचार्य ने महाभारत में, ब्राह्मणों का नाम क्या है भौम ब्रह्म, भौम ब्रह्म महाभारत में और शंकर वास गीता में ब्राह्मणों का एक नाम है भौम ब्रह्म। भूमि से भौम बनता है, भूसुर जिसको तुलसीदास जी ने कहा, ब्राह्मण जो होते हैं भौम ब्रह्म उसी को कह दिया भूसुर। भूसुर माने पृथ्वी लोक के देवता। अरे मानो न मानो लेकिन सिर को तो सोते समय कुछ ऊपर रखना ही पड़ेगा क्या कुछ भी करो ब्राह्मण को सम्मान देना ही होगा, नहीं तो हिंदुत्व सनातन सिद्धांत कोई टिकेगा ही नहीं। इस पर भी थोड़ा विचार कर लें। वर्णाश्रम आजकल आक्षेप क्या होता है, जाति धर्म को धर्मा तो शाश्वता, गीता का पहला अध्याय अर्जुन का वचन, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, आगे क्या कहा कुल धर्मा सनातना, संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं सनातन कुल धर्म जाति धर्म में विकृति तो नहीं आ जाएगी, कहीं सनातन कुल धर्म जाति धर्म का विलोप तो नहीं हो जाएगा। अब जितने आते हैं वो जाति धर्म कुल धर्म को मिटाना ही विकास मानते हैं। जाति को मिटाने वाले मिट गए क्या, मिट गए नहीं, नाम क्या नहीं, जो जो जाति को सनातन परंपरा प्राप्त जाति को मिटाने आए सब मिट गए, विकृत करने आए सब विकृत हो गए। पूज्य गुरुदेव ने हमसे कहा, एकांत में कहा, हम तो आपको यहाँ कह रहे हैं, कोई भी कुछ कहे सुनना नहीं, वर्णाश्रम धर्म का डटकर प्रतिपादन करना, क्योंकि कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में कल्कि भगवान का अवतार होगा, तब तक ब्राह्मण कुल बचा रहेगा, वर्ण संकर होने से बचा रहेगा, तब तो कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में भगवान कल्कि का अवतार होगा। इसलिए वर्णाश्रम, अच्छा नहीं माने वर्णाश्रम क्या क्या दोष हमने दिया है शास्त्रों के आधार पर, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे, पहला शाप यह है या नहीं, ब्रिटेन जर्मनी जापान फ्रांस और भारत में भी जहाँ जहाँ वर्णाश्रम को कोसा गया यहाँ सब ये विपन्नता है नहीं। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रखने के लिए क्या होना चाहिए, सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था का अनुपालन करना चाहिए। जनसंख्या को संतुलित रखने के लिए भी ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत हैं तो उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी होगी स्वाभाविक से। क्षत्रिय संन्यास के अतिरिक्त तीन आश्रमों में अधिकृत हैं और धर्म क्या है, धर्म युद्ध में भी अधिकृत हैं, मारकाट में अधिकृत हैं, मार भी सकते हैं तो क्षत्रियों की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी होगी। वैश्य जो हैं
वानप्रस्थ और संन्यास के अतिरिक्त शेष दो आश्रमों में गुरुकुल में ब्रह्मचर्य आश्रम में गृहस्थ आश्रम में अधिकृत हैं, तो वैष्णवों की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी होगी, तभी कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प संतुलित रहेंगे। अब रह गए शूद्र, गुरुकुल वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा न खटखटावे, परम्परा प्राप्त विद्या और कला का आलंबन लेकर श्रम और सेवा के प्रकल्प को संतुलित रखें। तो शूद्रों की श्रम तो उन्हीं के ऊपर, सेवा तो उन्हीं के ऊपर निर्भर है। और जीविका की दृष्टि से विचार कर लीजिए, जितने कुटीर उद्योग लघु उद्योग सब में शूद्रों का अधिकृत किया गया है या नहीं, आर्थिक दृष्टि से विपन्न बनाया गया या सबसे अधिक उत्कृष्ट बनाया गया, बढ़े का काम कौन करे जी, ये सब बात ठीक है या नहीं। हाँ, जितने कुटीर उद्योग लघु उद्योग सब में तो शूद्र अधिकृत किए गए, आर्थिक दृष्टि से विपन्नता थी या सबसे अधिक समृद्ध थे, आर्थिक दृष्टि से शूद्रों को विपन्न बनाया गया ये भ्रम है या नहीं। सब प्रकार से ताम्रपात्र कौन, ऐसे ऐसे लोह पिट्टा ऐसे होते थे नहीं, इसका मतलब कुटीर उद्योग लघु उद्योग जिनको पकड़ा दिया गया, अर्थ का स्रोत जिनको पकड़ा दिया गया। उदाहरण है केवल देते हैं, काशी जैसी नगरी में जहाँ मान लीजिए उन दिनों में दक्षिणा ब्राह्मणों को मिलती होगी, हरिश्चंद्र जी को परिस्थित वश बिकना पड़ा, किसने खरीदा, प्राचीन भाषा में कहें तो डोम राजा जो श्मशान में ठेके का काम करते थे, उस समय काशी जैसी नगरी में दक्षिणा के रूप में सब धन ब्राह्मणों के पास आता, तो हरिश्चंद्र को बिकने की आवश्यकता हुई, तो एक उस समय की भाषा में डोम राजा में उतनी संपत्ति थी, खरीद लिया नहीं, ये हमारा प्राचीन इतिहास है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, और हर व्यक्ति के जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड के प्रति आस्था हो, कभी आर्थिक विपन्नता हो सकती है। यहाँ वित्त का वर्णन आया है, बुद्धिमान दिव्यम भौमम च अंतरिक्षम वित्त मच्युत निर्मितम। अब अर्थ जितना अर्थ त्रिभुवन में नहीं है उससे अधिक अर्थ भी प्रकट करने की विद्या है या नहीं, कला है क्या। दिव्यम भौमम च अंतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम, त्रिभुवन में जो कुछ वित्त है धन है सब अच्युत भगवान कृष्ण के द्वारा परमात्मा के द्वारा क्या है निर्मित है। तत्सर्वम भुंजाना ये तत्कुरिया स्वतो बुधः, इसका अर्थ क्या हुआ, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड के द्वारा जो वैभव त्रिभुवन में नहीं है इस ज्ञान के द्वारा उसको भी क्या किया जा सकता है, सर्जन किया जा सकता है। सर्जन माने उसको भी सृजन जिसको कहते हैं आजकल, उसका भी सर्जन हो सकता है सृजन हो सकता है। जो वैभव त्रिभुवन में नहीं है उस वैभव को भी इस ज्ञान विज्ञान के बल पर प्रकट किया जा सकता है। इस तरह से उपभोग करता हुआ व्यक्ति जीवन यापन करे भगवान का समझकर, फिर न एतत् कुर्या स्वतो बुधा यथा योग्य धन का वितरण भी करे। आगे श्लोक है ही, जिससे कम्युनिज्म की दाल नहीं गलती थी पहले, जब तक कि इस प्रकार का भाव हमारे जीवन में चरितार्थ था। क्या लिखा, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। बहुत विचित्र बात, विदुर जी कौन, धर्मराज के अवतार शापित सही, उन्होंने कहा द्वावेत संप्रविष्ट प्रविष्टव्य गले बद्वा दृढ़ शिलाम धनवंत मदातारम दरिद्रम चा तपस्विनम महाभारत। विदुर नीति, दो प्रकार के व्यक्ति समझाने पर भी न समझें तो दंडाधिकारी का कर्तव्य है गुरुत्व युक्त पत्थर को मजबूती से उनके गले में बांधकर जलाशय में डुबो दे। वो कौन कौन है अब देखिए, इसके आगे कम्युनिज्म कैसे टिकता, धनवंतम अदातारम
धनी हो कर के भी अपने धन का यथा योग उपयोग न करने वाले, देवता पितर ऋषि देयम दीन जनायत वित्तम। एक व्यक्ति हजारों के अनुग्रह से धन इकट्ठा करता है, यानी एक व्यक्ति जो धन कमाता है उसमें कितने व्यक्तियों की सहभागिता होती है, इस पर विचार करें। कोई वस्त्र बेचता है, अब वस्त्र निर्माण में कौन कौन सामग्री कैसे उत्पन्न हुई, सैकड़ों व्यक्तियों का हाथ है यानी। इसलिए दो प्रकार के व्यक्ति, गले में वजनदार पत्थर मजबूती से बांधकर दंडाधिकारी के द्वारा समुद्र में डुबो देने योग्य जलाशय में, धनवंतम अदातारम, धनी होकर भी अपने धन का जो उचित उपयोग नहीं करते, दरिद्रम सा तपस्विनम, तितिक्षु ब्राह्मण, जमा करते करते क्या दशा हो गई, भिक्षु गीत श्रीमद्भागवत 11:23। दरिद्रम सा तपस्विनम, धन भी चाहता है, परिश्रम के योग्य शरीर भी है, फिर भी हाथ पर हाथ रखे है। दरिद्रम सा अतपस्विनम, जो श्रम से बचने वाला दरिद्र है, धन की लिप्सा न हो, प्रारब्ध पर इतना भरोसा हो परमात्मा पर, वो भी नहीं है। लेकिन दरिद्र होता हुआ परिश्रम के योग्य शरीर होने पर भी जो हाथ पर हाथ रखे हुए है, वह दरिद्रम सा अतपस्विनम, श्रमहीन जो व्यक्ति है, वो भी क्या होना चाहिए, जलाशय में डुबो देना चाहिए। दंडाधिकारी समझावे फिर भी समझ में न आवे तो एक विचित्र बात हुई नहीं। तो हमारे यहाँ जब यह विधा थी, यहाँ पर कहा यावत बृहत जठरम तावत स्वत्व हृदयिनाम अधिकम यो भी मन्य सस्तेनो दंड बढ़ती, केवल उतने धन पर ही मनुष्यों का अधिकार है जितने से भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को अपना मानने वाला, अपनी मानने वाला व्यक्ति चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। दंड का स्वरूप क्या हो मैंने पहले बता दिया। इसलिए कायव्य नाम का एक डाकू महाभारत, हम तो यात्रा करते हैं तो दो का नाम लेते हैं, एक डाकू का नाम लेते हैं। आप कहोगे आश्चर्य लगता होगा, उस डाकू का नाम है कायव्य और यह गौतम महर्षि का नाम लेते, कहाँ डाकू कहाँ महर्षि, आपको भी लेना चाहिए। महाभारत में कायव्य नामक डाकू का यह महात्म्य लिखा गया, कायव्य कायव्य कायव्य, अब गौतम गौतम गौतम, कायव्याय नमः गौतमाय नमः, इन दोनों नामों का उच्चारण करके स्मरण करके जो यात्रा करता है उसे कष्ट प्राप्त नहीं होता, वह पवन की तरह सत्संग में सोता नहीं है। कायव्य कायव्य कायव्य, कायव्य क्या करता था, उसने लुटेरों का एक गिरोह बनाया महाभारत में, लुटेरों का गिरोह बनाया जिनके पास पर्याप्त धन था और अपने धन का उचित उपयोग नहीं करते थे। पहले साम नीति का प्रयोग करके समझाने बुझाने का काम करता, फिर भी वो नहीं मानते तो डाकुओं का जो गिरोह था लुटेरों का, घर के मातृशक्ति के शील को सुरक्षित रखते हुए, उसे भी प्राण दंड न देते हुए और उचित धन उसके पास छोड़ करके अतिरिक्त धन लूट लेते थे। कायब उसमें से एक दाना भी नहीं लेता था, लुटेरों को भी नहीं देता था। अपना परिश्रम करो, जीविका अर्जित करो, और जो ईमानदार होने पर भी, परिश्रम करने पर भी पेट और परिवार का पालन नहीं कर पाते थे, उनमें बांट देता था। इसलिए कायव्य का नाम लेकर जो यात्रा करता है उसकी यात्रा सफल होती है, चोर डाकू तस्कर की दाल उस पर नहीं गलती। कायव्य कायव्य कायव्य, अब यह जब प्रथा थी तो कम्युनिस्टों की दाल क्या गलती जी, क्या कम्युनिस्टों की दाल क्या गलती, कायव्य डाकू, डाकुओं का गिरोह। तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया, आज के प्रवचन का, यावत बृहत जठरम तावत स्वत्व ही देहिनाम अधिकम योभिमान्यता सस्तेनो दंड मरहति। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुम्ब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ने भूखा जाए, देंगे तो मिलेगा। क्या बहुत बढ़िया,
एक व्यक्ति महाभारत में है, दान तो देते थे, अन्न का दान नहीं करते थे। मरने के बाद उनको अन्न नहीं मिलता था, सोना चांदी खा के क्या करेंगे, इसलिए यहाँ देंगे, ये नहीं कह रहे कि यहाँ रुपया चढ़ाइए। भगवान की कृपा है, कोई आवेगा क्या देगा, स्वप्न में भी नहीं ध्यान जाते। मठ चलता है, सबके हित में मठ का प्रयोग विनियोग होता है, कोई यजमान आवे कुछ देख कर जाए, ये स्वप्न में भी नहीं होता। किसी को मंगता समझता नहीं, सबको भगवत रूप समझता हूँ। मेरे पास कोई आता है, मैं इसे क्या दे सकता हूँ, यही भाव होता है। ये सब तो अपने लाडले प्यारे हैं ना, आयु में कितने भी हों, हम तो इनको गोद के बच्चे ही समझते हैं। समझ गए निकेश जी की माता जी, आपके तो बेटे हैं ही, मेरे लिए भी गोद के बच्चे ही हैं ये। हमने संकेत किया तो हमारे पास जो आता है लगता है क्या दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है एक वृक्ष के नीचे कोई यात्री 5 मिनट पहले पहुँचा हो, दूसरा यात्री आवे तो उसका वो अतिथि हो गया। दूसरा कुछ ना कुछ उसे कुशल मंगल पूछे, नहीं तो एक पत्ता ही हाथ में दे दे। इसी प्रकार से हमने संकेत किया, देने का भाव होना चाहिए, लेकिन देने का अभिमान नहीं होना चाहिए। समय हो गया, एक दिन हमने बताया था, एक कोई सेठानी रही होगी उड़ियाबाजी के यहाँ, मातृमंडल में थी, हमारे यहाँ तो सबका प्रवेश वैसे ही स्वाभाविक, कोई गेट कीपर आदि नहीं रखना पड़ता, गोष्ठी में लोग आते हैं, समय पे चले जाते हैं, कोई पहरेदार की जरूरत नहीं पड़ती, सबको मालूम अमुक समय मिलना अमुक समय नहीं मिलना है, अपने आप कोई ये सब नहीं ताम झाम नहीं। लेकिन वो ऊपर आ गई, मैं ऊपर में था औरियाबाजी के आश्रम में, क्या दो फल दिया उसने, उसमें से एक मैंने उसे मैं वैसे हूँ, मैं यूँ करना जानती हूँ, यूँ नहीं करना जानने, भाग यहाँ से कभी मुँह मत दिखाना। उसने क्या ताना कसा, दो फल लाई तो एक फल मैंने उसे दिया, मैं वैसे कुल की हूँ, सेठानी हूँ, मालूम है मैं यूँ करना जानती हूँ, यूँ करना नहीं जानती। तो मैंने कहा ब्राह्मण का दिया हुआ सारा संसार पाता है, गांधी का है महाभारत आदि में, ब्राह्मण को कोई दे नहीं सकता, ब्राह्मण का दिया हुआ ही सारा संसार भोगता है। अर्थशास्त्र ब्राह्मणों ने दिया, कामशास्त्र ब्राह्मणों ने दिया, धर्मशास्त्र ब्राह्मणों ने दिया, मोक्षशास्त्र ब्राह्मणों ने दिया, सबके पूर्वज का नाम है ब्राह्मण, क्या करिएगा। ऊपर ब्रह्म, उसके बाद ब्राह्मण, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी प्रथम ब्राह्मण है या नहीं, क्षत्रिय प्रथम, क्षत्रिय भावापन इंद्र, अप्रथम वैश्य वसु, अप्रथम शूद्र पूषा। प्रथम शूद्र कौन हो गए, पूषा, अप्रथम वैश्य वसु, प्रथम क्षत्रिय इंद्र, वहाँ पर कर्मानुसार प्रथम ब्राह्मण का नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी। इसलिए हमने संकेत किया, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही नहीं, सनातनी वैदिक ब्राह्मण ही सबके पूर्वज होते हैं, ब्राह्मण ही सबके पूर्वज सिद्ध होते हैं। ब्राह्मण का दिया हुआ सारा संसार पाता है ब्राह्मण, ब्राह्मण व्यापार इत्यादि नहीं करते, इसीलिए वनियों का जीवन चलता है। ब्राह्मण अगर कहीं व्यापार इत्यादि करने लगे हैं तो व्यापार करके इतना धन कमावे किसी वन्य आदि की दाल ही न गले। भगवान का अनुग्रह है कि वो व्यापार इत्यादि नहीं करते हैं। अगर ब्राह्मण अपनी बुद्धि व्यापार में ही लगावे, उनकी बुद्धि का कोई पार नहीं पा सकता। हर हर महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।